हेलो एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एम आई ऑडिबल टू यू गाइज कैन यू प्लीज़ कन्फ़र्म क्या मैं ऑडिबल हूँ आपके लिए एक बार प्लीज़ कन्फर्म कर दें क्या मैं ऑडिबल हूँ गुड इवनिंग आयुषी गुड इवनिंग सुष्मिता गुड इवनिंग विशाल आई गेस के सभी आप लोग ना सही होंगे घर पर आराम से होंगे ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है अगर मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए तो और शेयर कर दीजिएगा लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन आल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर और आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी एंटोनियम्स ठीक है हम एंटोनियम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कल के जो एंटोनियम्स थे 160 के आसपास हमने कर लिए थे आज जो है हम 160 के आगे पढ़ेंगे ठीक है जी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे वन के आगे चलिए हर्ष श्री जी टेलीग्राम पर डाल दी गई है इसकी पी ऑलरेडी ठीक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे आफ्टर लेक्चर हाँ जी चलिए तो कोई और डाउट है आपका पूछ लीजिए स्टार्ट करने से पहले फिर शुरू करते हैं हाँ जी गुड इवनिंग फ़ातिमा जी वेलकम आप आ गए हैं ठीक है चलिए गुड इवनिंग ए वेरी गुड इवनिंग तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला वर्ड है आपके लिए ऑनर ऑनर का मतलब होता है अडोरेशन और denunciation या फिर शेम क्या होता है एंटोनियम होता है हम्बल हम्बल का मतलब होता है मीक या फिर टिमिड कह सकते हैं आप प्राउड या फिर अजर्टिव इसका एंटोनियम होगा ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी का मतलब होता है रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन का मीनिंग क्या होता है जब आप किसी को बाहर निकाल देते हैं फॉनिंग भी बोलते हैं ठीक है बोल्डनेस या फिर प्राइड इसका एंटोनियम होगा हिपोक्रेसी जैसा कि आप सभी जानते हैं सीमा होती है इसकी भी एक डिसप्शन होता है सेंसेअरिटी या फ्रेंकनेस इसका एंटोनियम है इम्पेनिटेंट देखो इनपेम पेनीटेंट होता है जिसको सज़ा मिल जाए ठीक है और रिपेंटेंट जो पछताता रहे ठीक है तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी इम्पल्सिव इम्पैचुअस ठीक है मतलब गुस्सा आ जाए जिसे कॉशियस या फिर डिलिबरेट जो जानबूझ कर करे वो आपका एंटोनियम होगा देवेंद्र जी इसके बारे में थोड़ी देर में बात कर लेंगे डोंट वरी पी एफ ओ आप प्रिपेयर कर सकते हैं नो इशूज विद डैट इंडिफरेंट, इंडिफरेंट होता है इक्विटेबल इक्विटेबल मतलब जो अगर हम कहें तो किसी चीज पर रिएक्ट ना करे और पार्शियल या फिर बायस्ड इसका एंटोनियम होगा इंडिजेंट डेस्टिट्यूट या इम्पावरिस्ड गरीब कहते हैं रिच एफ्लुंट इसका एंटोनियम होगा इनफर्नल नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए इनफर्नल का मीनिंग होता है डैम ठीक है याकर्स्ट और हेवनली होता है जो मतलब भगवान की तरह हो ठीक है उसके लिए हम हेवनली यूज करते हैं इंसिपिड होता है टी डी एस बोरिंग बोरिंग के लिए यूज़ करते हैं प्रोसाइक भी बोलते हैं प्लीजिंग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं या एपिटाइजिंग जो आनंद दे क्या दे आनंद दे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है दैट इज़ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग का मतलब होता है एनचैंटिंग ठीक है और डल या अन इसका एंटोनियम है immaculate immaculate का मतलब होता है अनसुलीड या स्पॉटलेस जो बहुत ही ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में ला दे उसके लिए हम क्या बोलते हैं स्पॉटलेस बोलते हैं डिफाइल्ड या फिर टार्निस्ट जो खराब कर दे उसके लिए आप डी का टारनिश्ड यूज करते हैं इमेंस तो पता ही है ह्यूज ठीक है प्यूनी या फिर इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई वैल्यू ना हो इमर्स इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज या इन्वॉल्व जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके लिए आप इनवॉल्व इमर्स यूज करते हैं और इमर्ज या फिर अनकवर मतलब बाहर निकलना इन्वॉल्व ना होकर के बाहर निकलना उसके लिए हम क्या यूज करते हैं अनकवर यूज करते हैं नेक्स्ट हमारे लिए वर्ड है इमिनेंट इमिनेंट का मतलब होता है इमपेंडिंग या फिर ब्रियोइंग ब्रियोइंग ठीक है और डिस्टेंट या रिसीडिंग मतलब जगह बनाना जब कोई दूर चला जाता है आपसे आपके पास से दूर चला जाता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटोनियम की फॉर्म में इम्यूनिटी जब किसी को प्रिविलेज हो कोई बच जाए ठीक है ब्लेम या फिर सेंश्योर सेंशोर का मतलब होता है बुराई करना ठीक है तो वो इसका एंटोनियम होगा इम्पेयर डिमिनिश या डिटोरिएट सॉरी डिटोरिएट या रिस्टोर रिवाइव करना इसका एंटोनियम होगा इम्पारशल का देखो मीनिंग क्या होता है जस्ट जो बिल्कुल क्या करे जस्टिफिकेशन uh, दे मतलब बायस्ड ना हो अनबायस्ड प्रीजुडाइज्ड जुडाइस्ड या फिर biased इसका एंटोनियम होगा इम्पेडिमेंट इम्पेडिमेंट का मतलब होता है हर्डल या फिर obstruction जैसे हम बोलते हैं ना obstruction यूज करते हैं या obstacle अब्स्टा, यूज करते हैं तो वो होता है और अगर किसी की सहायता कर रहे हो तो असिस्टेंट बन जाओ या कॉन्करेंस बन जाओ इम्पायस होता है irreligious या unholy जबकि पायस या डिबोट क्या होगा एंटोनियम होगा और देखिए इतने सारे लोग मुझे लाइव दिख रहे हैं और लाइक इतने कम हैं बहुत गलत बात है इम्प्यूट इम्प्यूट का मतलब होता है एट्रीब्यूट करना किसी को अगर हम कहें तो कुछ चीज़ आपकी तरफ आ, क्या कर रहे हैं एट्रीब्यूशन की फॉर्म में दे रहे हो आप किसी को समर्पित कर रहे हो और एक्सकल्पेट या सपोर्ट क्या होता है आपके लिए जब हम उसको एंटोनियम की फॉर्म में ले के जाते हैं इंक्लिनेशन सबको पता है अफेक्शन होता है और इनडिफरेंस या फिर डिसइनक्लेशन इसका आंसर होगा अनहोली होता है जो पवित्र ना हो हाँ जी मनी जी कोई बात नहीं इनकॉम्पिटेंट तो आपको पता ही है इन एफिशियंट या अनस्किल्ड जबकि डेक्सटेरस होता है एंटोनियम इनकॉन्ग्रुएस जो इनअप्रोप्रिएट हो एब्सर्ड हो कंपैटिबल या हारमोनियस इसका एंटोनियम होगा इनएविटेबल जिसको रोका ना जा सके ठीक है अनअवॉइडेबल या असरटेनड अनलाइकली जो होगा इसका एंटोनियम रहेगा इनफ्रिंज ठीक है वॉयलेट या इनक्रोच ठीक है या फिर कंप्लाई और कॉनकर इसका एंटोनियम होगा ठीक है इनजेनुअस नहीं याद रखना है नाइव वैसे इसका मीनिंग होता है बिगिनर के लिए यूज करते हैं ये याद रखिएगा एल्यूड या फिर हिंट ठीक है किसी को हिंट देना कंसील छुपाना या केमोफिलेज इसका एंटोनियम रहेगा अब इंसिपेट फिर से आ गया इंसॉलमेंट सभी को पता ही है ठीक है इंस्टिल का मतलब होता है इनकलकेट uh, कोई चीज जब आप किसी में इन्वॉल्व करते हो तो उसके लिए आप इंकलकेट यूज करते हो इंजेक्ट यूज करते हो इरेडिकेट वहां से निकालना ठीक है या एक्सट्रैक्ट वहाँ से निकालना इंट्रिकेट होता है टैंगल्ड टैंगल्ड का मतलब क्या होता है फंसाना किसी को कॉम्प्लिकेट करना रेगुलेटेड या ऑर्डरली चलाना तो उस वो इसका एंटोनियम हो जाएगा इंट्रीक इंट्रीग का मतलब होता है स्कीम या फिर कॉन्स्पिरेसी जबकि सेंसेरिटी क्या होगा एंटोनियम रहेगा ठीक है सेंसेरिटी क्या रहेगा एंटोनियम रहेगा भाई ठीक है जी तो ये वाला भी क्लियर हो गया होगा अब इंट्रेंसिक आप सभी को पता ही है जेनविन के लिए या फंडामेंटल के लिए यूज करते हैं और इंसिडेंटल एंटोनियम हो जाएगा इनवेक्टिव याद नहीं रखना है इनवेंसिबल सभी को पता ही है इिप्रेसिबल याद नहीं रखना है इमेकुलेट कली कराया था इम्पेकेबल वर्ड होता है ठीक है टार्निस्ड इसका एंटोनियम होगा जेडिड होता है टायर्ड या एग्जॉस्टेड रिन्यूड रिक्रिएटेड रेजुबिनेटेड ये इसके एंटोनियम्स होंगे जेज्यून बहुत बार यूज होता है जेज्यून का मतलब होता है डल या फिर बोरिंग ठीक है और मीनिंग क्या होगा इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग जो का मीनिंग होता है फ्रॉलिकसम या फिर चीयरफुल जबकि सोलम या मोरोज मोरोज कई बार यूज़ होता है तो ये याद रखेंगे मोरोज का मतलब होता है टायरिंग या फिर अगर हम कहें तो अन इंथूजियाटिक ठीक है नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ जुबिलेंट जुबिलेंट का मतलब होता है रीजॉयसिंग या ट्राइम्फ्ट मतलब कोई बहुत ज़्यादा जीत के आता है खुशी में होता है उसके लिए यूज़ करते हैं और सैड होता है कोई मेलनकॉलिक या डिप्रेसिंग मूड में होता है जुडिशियस थॉटफुल या फिर प्रूडेंट और जबकि इ या फुलश क्या होगा इंटोनियम होगा जस्ट फिर से आ गया जस्टिफाई डिफेंड करना या एक्सकल्पेट जबकि इम्प्यूट या अरेन मतलब उसके अगेंस्ट जाना ठीक है जुबेनाइल का मतलब होता है यंग या फिर टेंडर ठीक है जबकि डॉटेज क्या होता है ओल्ड एज ठीक है ओल्ड एज यूज करते हैं कीन का मतलब होता है शार्प या पॉइनेंट ठीक है जबकि वैपिड या इनसेपिड जो टेस्टलेस होता है किंडर्ड याद नहीं रखना है नेव याद रख सकते हो डिसऑनेस्ट के लिए होता है और जबकि पैरागन पैरागन होता है ऑनेस्ट ठीक है या फिर अगर हम कहें तो जो बहुत ही अच्छा एक, एक एग्जाम्पल हो आइडियल एग्जाम्पल हो उसके लिए पैरागन यूज़ करते हैं नेल डेथ बेल के लिए या लास्ट ब्लो के लिए यूज़ करते हैं जबकि रिकंस्ट्रक्शन री या रीडिस्कवरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इसका ऑपोजिट नॉटी याद नहीं रखना है लेविश को आपको पता ही है abundant या excessive scarce और deficiency इसका एंटोनियम होगा lax का मीनिंग होता है slack या फिर careless जबकि firm या reliable क्या होगा एंटोनियम lenient compassionate या फिर merciful जबकि cruel या फिर severe एंटोनियम होगा ठीक है liable होता है कोई कोई पर्सन अकाउंटेबल हो जिम्मेदार हो किसी चीज के लिए बाउंड बंधा हुआ हो ठीक है हाँ जी बिल्कुल सही unaccountable या एप्ट टू वो क्या होगा आपके लिए एंटोनियम लिबरल magnanimous, बड़े दिल वाला जिसे कहते हैं generous, काइंड काइंड हार्टेड बोलते हैं ना इसके लिए है ना भाई काइंड हार्टेड बोलते हैं और stingy या मलिशियस मलिशियस होता है नेगेटिव वे में तो वो इसका आंसर बनेगा एंटोनियम के फॉर्म में लिंगर लिंगर का मीनिंग होता है लॉइटर या prolong. कोई चीज़ जब बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रोलोंग यूज करते हैं जबकि हेस्टन या क्विकन ये इसका एंटोनियम होगा लूसिड का मीनिंग होता है साउंड या फिर रैशनल जबकि ऑब्सक्योर और हिडन इसका एंटोनियम फॉर्म रहेगा नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूनेंसी ल्यूनेंसी का मी ल्यूनिसी सॉरी ल्यूनिसी जो होता है डिल्यूजन या इनसेनिटी पागलपन जिसे हम कहते हैं जबकि अगर कोई नॉर्मल हो तो सेन उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं सेन बोलते हैं सेनिटी ल्योर लेर का मतलब होता है अट्रैक्ट करना या एंटाइस करना कोई चीज़ कोई पर्सन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं जबकि रिपल या डिसवेड पर्सवेड और डिसवेड एंटोनियम होते हैं तो अपने से दूर खींचना ठीक है अब ये लशियस याद नहीं रखना है लग्जीरियंट लग्जरी से आप याद रख सकते हैं लैंग्वेड याद रख सकते हैं स्लगिश होता है अपैथिक ठीक है एनर्जेटिक या स्पिरिटेड हम यूज़ करते हैं इसके लिए और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है मेलाइस वेंचफुलनेस या फिर ग्रज जबकि अगर आपके पास गुडविल या काइंडनेस हो तो ये एंटोनियम फॉर्म में रहेगा मैंडेटरी का मतलब होता है इम्परेटिव या रिक्विजिट और एंटोनियम की फॉर्म में हमारे पास क्या रहता है ऑप्शनल ठीक है मैस्कुलिन गैलेंट या फिर स्ट्रैपिंग ठीक है फेमिनिन और मीक कायर ठीक है ध्यान रखना मेरिट का मतलब होता है स्टैचर या एसेट जबकि डी मेरिट और डिसऑनर इसका एंटोनियम रहेगा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मरैक्युलिस होता है मावलिस या एक्स्ट्रा जबकि ऑर्डिनरी और ट्रिविलियल ट्रिवियल इसका एंटोनियम रहेगा मिटिगेट का मीनिंग होता है एलिविएट या फिर रिलीव जबकि ऑगमेंट और एनहेंस इसका एंटोनियम रहता है मॉडर्स्ट आपको पता ही है हम्बल यूज करते हैं एरोगेंट इसका एंटोनियम होगा पॉम्पस भी यूज करते हैं याद रखिएगा मोलेस्ट हैरेस करना या फिर टीज करना किसी को परेशान करना जबकि कंसोल करते हो या सूथ करते हो किसी को तो वो इसका क्या बन जाएगा इंटोनियम बन जाएगा मोलिफाई मोलिफाई का मतलब क्या होता है अपीज या एसवेज जबकि इरिटेट या इनफ्यूरिएट किसी को गुस्सा दिलाना ठीक है जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मोमेंटस बहुत यादगार नोटेबल इवेंटफुल ट्रिवियल नॉर्मल या इनसिग्निफिकेंट जिसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना हो मोनाटोनस टी डी एस बोरिंग एक सम बोलते हैं वेरीड या प्लीजेंट इसका एंटोनियम होगा मॉरबिड बहुत बार आता है याद रखना है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मॉरबिड का मतलब होता है नेस्टी या मकैबर मकबरा जिसे बोलते हैं और हेल्दी या चीयरफुल इसका एंटोनियम होगा तो लगभग सेवेंटी फाइव हमने कर लिए हैं अब आपके डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं ठीक है सबसे पहले बताइए प्रिपरेशन ठीक चल रही है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है वाइट डेवल हिंदी देखो क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा दैट्स वाई मैं नहीं बता रहा हूँ जबकि लेकिन वहाँ पर सिंपल जो वर्ड है वो इसका यूज़ किया गया है ठीक है हाँ जी तो बताएं कि किसी सब्जेक्ट में कोई इशू तो नहीं आ रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है हाँ जी अबेट लिथाजिक ठीक है ठीक चल रहा है गेस है ना हाँ जी जो भी है आपको आप बता दें कोई अगर डाउट हो रहा है आपको आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ है कुछ बात है जो बतानी चाहिए बता सकते हैं हाँ जी मिस्टर सिंह सिंह कल आपको आंसर मिल गया था ना आपके क्वेश्चन का आकाश का आंसर आया क्वेश्चन आया है कि इतना याद कैसे करें याद करना ना करना आप पर डिपेंड है आप एक कॉपी जब बना लेंगे और उसमें डेली अगर बीस बीस पच्चीस पच्चीस वर्ड्स भी लिखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे हाँ हॉचपॉच तो हो जाता है तभी सब्जेक्ट वाइज या कॉम्पोनेट वाइज आपको रिवाइज करना होता है श्रेया वर्मा जी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको थ्री हंड्रेड तो अभी ऐड किए गए ठीक है हाँ जी आप चेक तो करिए हानवी जी नहीं उसका तो मैं नहीं कह पाऊँगा पॉलिटी एंड इको का रिविज़न होगा नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा देखो पर्टिकुलरली अब हम मॉरबिड यूज़ करते हैं तो मॉरबिड का मतलब होता है अनहेल्दी ठीक है कोई चीज़ जो हेल्दी ना हो कोई बात नहीं चीनी जी आप प्रैक्टिस करिए यू विल गेट थ्रू सर मैंने पढ़ा है बट सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे लक्ष्मी जी उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा ना आपका कौन सा पोर्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं है बहुत अच्छी चीज़ है विशाल मेहता जी अगर वो याद हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट उनमें से बहुत सारे रिपीटेड होंगे हाँ बिल्कुल थाउजेंड से ज़्यादा तो याद नहीं रख सकते हैं आपने याद नहीं रखने आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की ना क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है ठीक है क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हाँ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे है ना कॉन्फिडेंस तभी आएगा चलिए तो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है अभी तक बहुत कम लोगों ने लाइक किया है लेक्चर ठीक है हाँ बिल्कुल हैं आ, दस दस हैं अलग अलग से हैं श्रेया वर्मा जी दस दस का मतलब कितना होता है अराउंड सिक्सटी क्वेश्चन वहाँ पर हैं ठीक है सिक्सटी क्वेश्चन हैं ये याद रखिए है ना चलिए देखो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है म्यूनीफिसेंट म्यूनिफिसेंट का मीनिंग क्या होता है लिबरल या हॉस्पिटेबल और इसका एंटोनियम क्या होता है फ्रूगल ठीक है फ्रूगल या पिन्यरियस मतलब अगर हम कहें तो आ, हम ये कह सकते हैं कि जो आ, बहुत कम खर्च करे ठीक है उसके लिए यूज़ करता है हाँ जी बिल्कुल आ चल रही मौकी होता है डस्की या ड्रियरी जबकि ब्राइट इसका एंटोनियम होगा म्यूटिनस याद नहीं रखना है म्यूचुअल तो आपको पता ही है सभी को ठीक है ना आइडेंटिकल जॉइंट या सेपरेट और डिस्टिंक्ट इसका एंटोनियम होगा निगर्डली जो होता है वो माइजर होता है और जेनरस इसका एंटोनियम होगा निम्बल प्रॉम्प्ट या ब्रिस्क ठीक है स्लगिश या लैंगविड मतलब लेजी वो इसका एंटोनियम बनेगा नॉन चैलेंट आपको पता ही है इनडिफरेंट या नेग्लिजेंट के लिए यूज करते हैं जबकि अटेंटिव और कंसिडरेट इसका एंटोनियम होता है नोवाइस आप सभी को पता ही है टायरों या फिर बिगिनर और वेटरन और इंजीनियस इसका एंटोनियम होता है नॉक्शियस बेनफुल शापित इंजूरियस ठीक है हीलिंग और प्रॉफिटेबल जो बढ़ता रहता है नलीफाई किसी चीज़ को कैंसिल कर देना एनुअल ठीक है सॉरी एनल ठीक है ये एनुअल नहीं है एनल है ए नहीं आएगा ठीक है इस तरीके से होगा और कन्फर्म अपहोल्ड मतलब कैंसिल ना करना किसी चीज़ को नोशन कंसीट ठीक है अप्रीहेंशन बचना किसी चीज से रियलिटी या कॉन्क्रीट अगर कोई चीज हो तो वो एंटोनियम है numerous, numerous का मीनिंग क्या होता प्रोफ्यूज या वेरियस जबकि और इसका आंसर रहेगा एंटोनियम की फॉर्म में ऑब्सट्रक्ट का मीनिंग होता है इम्पीड या फिर प्रिवेंट ठीक है ये आपको बताया ही था एनकरेज करते हैं तो एंटोनियम होगा ऑबलाइजिंग विलिंग ठीक है और मलिश या ऑब्सिनेट जिद्दी होता है वो इसका एंटोनियम बनेगा भाई ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग और प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मतलब जो प्रोबेबल हो जो होगा ही जो होगा ही अब यहाँ पर ऑब्सिनेट फिर से आ गया स्टबर्न या एडमेंट जबकि प्लीएबल और फ्लेक्सिबल इसका एंटोनियम बन जाएगा ऑबटेन एक्सेस या इनहेरिट जबकि फॉरफेट छोड़ना किसी चीज को फॉरफेट ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है एविडेंट या अपेरेंट जबकि ऑब्सक्योर क्या होता है एम्बिग्यूस जो कन्फ्यूजिंग हो ऑडियस याद नहीं रखना है ऑफेंसिव आपको याद ही है ऑकेल्ट याद नहीं रखना ऑफ स्प्रिंग डिसेंडेंट या सिबलिंग बच्चों के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली और एंटोनियम होगा एनसेस्टर या फोर फादर ओमिनस ओमिनस आपको कराया गया था मीनेसिंग या फोअरबोर्डिंग ठीक है ऑस्पीशियस क्या होता है एंटोनियम फॉर्म में ओपेक ओपेक का मतलब क्या होता है ऑब्सक्योर या फिर शेडी ऑब्सक्योर या फिर शेडी जबकि ट्रांसपेरेंट इसका एंटोनियम रहेगा या फिर ब्राइट या फिर ब्राइट ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है आइडियलिस्ट ठीक है जो आ, चीज़ों पर बिलीव करे और पेसिमिस्ट इसका एंटोनियम रहता है और क्रिप्टिक कोडेड कैसे रखते हैं वेग धुंधला ल्यूसिड या डिस्टिंक्ट वो क्या होगा एंटोनियम रहेगा तो हंड्रेड वर्ड्स हो चुके हैं आज के याद रखिएगा ऑर्डेन से याद रख सकते हैं ऑर्डर आता है ऑर्डर क्या करना होता है इम्पोज और अगर कोई चीज़ इम्पोज कर दी गई तो रिवोक कर दो या फिर अबोलिश कर दो ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल वो चीज़ होती हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं अडॉन अनसीमली या प्लेन ठीक है एंटोनियम फॉर्म में आउटब्रेक इरप्शन जैसे कोविड आउटब्रेक ठीक है कोविड आउटब्रेक का मतलब क्या होगा आ, किसी चीज़ का फैल जाना ठीक है इनसरेक्शन भी बोलते हैं जबकि कंप्लायंस या सब्जेक्शन किसी चीज़ को दबा देना आउटरीज होता है ऑफेंस अपराध या मेल ट्रीटमेंट जब आप बुरी तरीके से जो है किसी को ट्रीट करते हैं कोई ऑफेंड हो जाता है और प्रेज जो होता है इसका ऑपोजिट होता है किसी की बड़ाई करना पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना ठीक है और इरिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बुरा बना देना परसुएड परसुएड का मतलब होता है कैजल किसी की फ्लैटरी करना या इम्प्रेस करना जबकि डिसवेड या हॉल्ट होता है एंटोनियन अब ये याद नहीं रखना होता बार बार मैं बताता हूँ आपको फिर भी आपको पता ही है पर्टर्बड होता है एंक्शियस ठीक है जब कोई चिंता में हो ठीक है और काम होता है जब कोई शांत हो बिल्कुल प्रोपागेट होता है इनसेमिनेट करना अगर हम कहें तो किसी मुद्दे को बढ़ाना बढ़ा चढ़ा कर बताना फैलाना प्रोपेगेंडा से आता है और सप्रेस किसी चीज़ को दबा देना डिप्लीट भी यूज़ करते हैं कई बार ना डिप्लीट का मतलब होता है कम करना प्रोग्रेस स्पेस किसी चीज़ को बढ़ाना बेटरमेंट क्या होता है किसी चीज़ को सुधारना रेट्रोग्रेस होता है कि आप किसी चीज़ को बिगाड़ रहे हो ठीक है क्या कर रहे हो वर्स कर रहे हो प्रॉम्प्ट होता है एकदम प्रिसाइज या पंक्चुअल जबकि स्लो या नेग्लिजेंट जो है वो इसका एंटोनियम है प्रूडेंस विजिलेंस के लिए यूज़ करते हैं डिस्क्रिशन के लिए यूज़ होता है इनडिस्क्रिप्शन के लिए हमारा एंटोनियम रहेगा इनडिसक्रिप्शन वर्ड पैम्पर किसी को फ्लैटर करना इंडल्ज करना मतलब चापलूसी करना और डिनाई क्या होगा मना करना या डिस्पैरेज मतलब उसको फॉलो ना करना उसको बढ़ावा ना देना पैरामाउंट फॉरमोस्ट सबसे ऊपर वाली चीज़ और ट्रिवियल क्या होता है नॉर्मल इन इन्फीरियर भी यूज़ करते हैं ठीक है पीयरलेस यूज़ नहीं करना है पीविश यूज़ नहीं करना पर्टनेस यूज़ नहीं करना पर आपको पता ही है ज़िद्दी होता है ऑब्सटीनेट और कॉम्प्लेसेंट या फिर डोसाइल जिसे आप मना सकें अपनी बातों से वो क्या होगा हमारे लिए डिफरेंस होगा पेंडेमिक जो सारे वर्ल्ड में फैली हुई हो एपिडेमिक होता है जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हो ठीक है उसे एपिडेमिक बोलते हैं प्लेसिड होता है ट्रांकविल ठीक है मैंने आपको बताया था कि इसके लिए याद रखना लूसिड यूज कर सकते हो काम ठीक है और टर्बुलेंट या हॉस्टाइल इसका एंटोनियम होगा पॉम्पेस फिर से आ गया भाई ठीक है कोई हॉटी हो या फिर एरगेंट हो उसके लिए यूज़ करते हैं और हम्बल इसका एंटोनियम होता है प्री कैरियस प्री कैरियस क्या होता है डाउटफुल या इनसिक्योर कोई पर्सन जो है वो डाउटफुल है इनसिक्योर है मतलब परेशान रहता है अपनी पोजिशन के बारे में या अपने घर की फैमिली के फैमिली की आ, या इनसिक्योरिटी रहती है फाइनेंशियल तो वो सारी चीज़ें प्रेडिकमेंट होता है ब्लाइंड या डिलेमा कन्फ्यूजन और रेजोल्यूशन या कॉन्फिडेंस इसका एंटोनियम होता है क्वैक क्वैक होता है इम्पोस्टर दोगला पर्सन ठीक है और अपराइट मतलब बिल्कुल ठीक है ना और क्वारंटीन तो आप सभी को पता ही है है ना क्वारंटीन तो सभी को पता ही होगा ना क्वेंट होता है क्वीर स्ट्रेंज ठीक है और फेमिलियर या फिर यूजुअल क्या होगा एंटोनियम रहेगा क्वारंटीन आप सभी को पता है कि सिक्ल्यूड करना अलग हो जाना सबसे स्क्रीन बी फ्रेंड या सोशलाइज इसका एंटोनियम होगा क्वेल subdue या रिड्यूज करना किसी चीज़ को रिड्यूज करते हैं आप ठीक है और एक्सक सॉरी एक्सरसर सॉरी एक्साक्रबेट या एक्सरबेट या एजिटेट किसी चीज़ को भड़काना क्विबल इक्विवोकेट मतलब कंफ्यूज करना ठीक है और प्लेन मतलब सीधा सीधा बोल देना रेड आपको पता ही है इनकर्जन या फॉरे किसी और बैक बैक ऑफ कर जाना फॉरे का एंटोनियम हो जाएगा रिट्रीट या रिलीज करना रैपिडिटी, रैपिड क्विक ठीक है वेलोसिटी, इनर्शिया या लैंग्विडिटी लेजीनेस लैंग्विड क्या होता है लेजी स्लो रीजन याद नहीं रखना है रेबेलियस आपको पता ही है रेस्टलेस या अटैकिंग सबमिसिव या कंप्लाइंट ठीक है जिसे आप दबा सकते हो रेक्टिफाई करना होता है अमेंड करना किसी चीज को या किसी चीज की रेमेडी जबकि फॉल्सिफाई क्या होता है किसी चीज को गलत या वर्स कर देना और बुरा कर देना मतलब आप रिजोल्यूशन ढूंढने निकले थे और बुरा कर दिया हाँ बिल्कुल हैं तो रिलकटेंट होता है हेजिटेशन ठीक है कॉशियस या एवर्स जबकि एंक्शियस या ईगर इसका एंटोनियम होगा रिस्ट्रेन होता है डिटेन करना कन्फाइन करना इनसाइट इसका एंटोनियम होता है इनसाइट इसका एंटोनियम होता है रेटिफाई होता है कॉन्सेंट या अप्रूव ठीक है डिनाई या डिसेंट इसका एंटोनियम होगा भाई ठीक है जी अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या आता है रैवज रेवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या फिर रियन ठीक है मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना जबकि रिकन्स्ट्रक्ट या रिनोवेट करना क्या होता है बनाना रेमिनेंट होता है रेजिड्यू या फिर पीस ठीक है और जबकि एंटायर या होल के लिए हम रेमिनेंट यूज करते हैं रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है आ, किसी की बुराई करना ठीक है बुराई करना प्रोटेस्ट करना एग्री करना या फिर लाउड हो जाना वो इसका एंटोनियम होगा रिमोर्स रिग्रेट या पेनिटेंस जबकि रूथलेसनेस या ऑबड्यूरेसी एंटोनियम है ठीक है नॉर्मली हम रिग्रेट करते हैं पछताने के लिए और जब खुशी मनाते हैं तो ये यूज़ करते हैं रेसेंड याद नहीं रखना है रिसेंटमेंट याद रख सकते हो डिसप्लेजर ठीक है या रैथ गुस्सा कंटेंट या फिर चीयर के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे रिट्रैक्ट रिकेंट या फिर विड्रॉ किसी चीज़ से हटा लेना खुद को और कंफर्म करना या एजर्ट करना नहीं मैं ये काम करूंगा ही करूँगा उसके लिए अजर्ट यूज करते हैं रेवरेंस आपको सभी को पता है रिस्पेक्ट या इस्टीम के फॉर्म में यूज किया जाता है जबकि डिसरेस्पेक्ट या एफरेंट किसी का सामना करना वो इसका एंटोनियम होगा रूट तो आपको पता ही है याद रखने की जरूरत नहीं है रस्टिक ठीक है याद नहीं रखना ठीक है क्योंकि रूरल या अनसिविलाइज के लिए यूज करते हैं बारबेरस इसके लिए वर्ड आता है ठीक है और इसका एंटोनियम होता है कल्चर्ड या रिफाइंड रूथलेस आपको पता है सेक्रेड आपको पता है सेवेज आप सभी को पता है स्टार्टल्ड होता है फ्राइटेंड या शॉक्ड कोई पर्सन शॉक्ड हो जाए और वेवरलिंग वेवरलिंगली ये क्या होगा इसका एंटोनियम होगा चलो स्टीप ये आप सभी को पता है फ्लैट या ग्रेजुअल हाँ जी तो आज के लगभग आपके पास फिर से 150 के आसपास वर्ड्स हो चुके हैं 160 कल कराए थे 150 आज कराए हैं सुनना ज़रूरी है सुनने के बाद रिवाइज़ करना ज़रूरी है पीडीएफ में आप याद रख सकते हैं इन वर्ड्स को ठीक है जो वर्ड याद ना होता हो उसे डेली लाइफ में यूज़ करें समझ में आ जाएगा लाइक like ज़रूर करें अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक like नहीं किया है और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कोई डाउट है ठीक है तो डाउट पूछ सकते हैं आज की क्लास में इतना ही हम रखेंगे कल आपका टेस्ट है एंटोनियम्स और सेनानम्स का मिक्स एक टेस्ट रहेगा ठीक है तो कल हम टेस्ट लेंगे रात को नौ बजे हाँ जी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए थैंक यू करमवीर जी और जल्दी ही देखिए ध्यान रखिएगा जिसकी एज ट्वेंटी फाइव से कम है किस किस की एज है ट्वेंटी फाइव से कम हाँ जी किस किस की एज है भाई ट्वेंटी फाइव से कम हाँ जी एक बार बताएंगे प्लीज हाँ जी किस किस की एज है हाँ जी तो आपने क्या करना है देखिए अभी यूपीएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन निकलने वाला है ठीक है तो उसका फॉर्म भी सभी ने फिल करना है ठीक है उसका फॉर्म भी सभी ने फिल करना है ठीक है जी चलिए और इसकी पी जो है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हाँ जी चलिए अरे भाई रदिमा जी डाल दी है आप चेक कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर पायल जी जल्दी शुरू होगा ठीक है तो आज के लिए इतना काफ़ी है ठीक है जी देन थैंक यू वेरी मच नहीं पवन कुमार जी ऐसा नहीं है चलिए कल मिलते हैं ठीक है एक नई क्लास के साथ थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइज़